हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल डीएसपी ब्लॉग्स मुरादाबाद। आज हम जा रहे हैं अपनी मौसी जी के यहाँ गाजियाबाद। चलिए ठीक है, सफ़र का मज़ा लेते हैं। हम लोग अभी पहुंचने वाले हैं अपनी मौसी के यहाँ। तो ठीक है बस गाइज, अब हम सोसाइटी के अंदर बस एंटर करने वाले हैं विद इन 1 or 2 seconds। तो गाइज देखिए, अब हम पहुंच चुके हैं अपनी मौसी जी के यहाँ। इस समय अब हम जाते हैं लिफ्ट से 5th floor पे। एक्चुअली उनका घर है तो हम 5th floor पे लिफ्ट से जाते हैं। तो गाइज बस लिफ्ट आ चुकी है अब 5th floor पे, आप देख सकते हैं। तो गाइस ठीक है, हम जाते हैं घर के अंदर। फिर हम जब घूमने निकलेंगे तब मैं ब्लॉग बनाऊंगा आपको। फिर मिलता हूँ सीधे अब डायरेक्ट ब्लॉग की जगह पर जहाँ से अब ब्लॉग स्टार्ट होगा। ओके गाइस, मैं भी थक चुका हूँ ड्राइविंग करके, तो मैं रेस्ट करता हूँ। ओके सो तब तक के लिए बाय बाय, वेट कीजिए थोड़ा सा, बस आगे ऐड करता हूँ इसमें नया ब्लॉग अपना। ओके गाइस बाय बाय, टेक केयर। हेलो गाइस, आज के ब्लॉग में कुछ नया है क्योंकि आज मैं पहुंच चुका हूं मुरादाबाद से गाजियाबाद अपनी मासी जी के यहां। और आज के ब्लॉग में क्या है, हम एक स्मॉल फॉरेस्ट में घूमने आए हैं जो कि आप अभी देख रहे हैं मेरे चारों तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी है। और मेरे साथ यहां पे आज ब्लॉग में आपको दिखेंगे आशीष पॉल मेरे ब्रदर, और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का बैक का, देखिए देख सकते हैं। ये हमारी फैमिली मेम्बर्स, और ये है गाजियाबाद का सिटी फेयर फॉरेस्ट। तो गाइस मैं आपको दिखाता हूँ अंदर क्या क्या है, आप देखिए एंजॉय करिए पूरा सिटी फॉरेस्ट को। ओके गाइस बाय बाय, देखते रहिए, कंटिन्यू वॉचिंग माई ब्लॉग। तो गाइस अब हम पहुँच चुके हैं बोटिंग एरिया में, जहाँ पर यहाँ पर ना एक छोटी सी रिवर टाइप की उन्होंने बना रखी है जहाँ पर बोटिंग की जाती है। ठीक है, तो बस हम वहाँ पहुँच ही रहे हैं, बस पहुँचने वाले हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, अब ये देखिए थोड़ा सा, ये हम लोग जा रहे हैं। अभी ये देखिए पूरा ग्रीनरी है, पूरा जंगल का व्यू उन्होंने बना रखा है। ये देखिए साइड में बोटिंग भी हो रही है, देखिए कितने सारे लोग बोटिंग कर रहे हैं। अभी हम लोग भी बोटिंग करते हैं, इन्जॉय करते हैं। और बोटिंग का पहले टिकट लेना पड़ता है, तो बस हम टिकट लेके आ रहे हैं अभी। ब्रदर मेरा आशीष, जैसे वो टिकट ले आता है फिर हम बोटिंग करते हैं गाइस। ओके बाय बाय, मिलते हैं फिर बोटिंग के टाइम पे सीधे। देखिए बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, थोड़ी सी धूप भी है, थोड़े से बादल भी हैं। तो गाइज हमें मिल चुके हैं टिकट, हम लोग बैठ चुके हैं। हम इस समय 4 जने बैठे हुए हैं और हम दोनों पे पैंडल वाली हमें मिली है। तो मैं और मेरी कज़न सिस्टर हम दोनों पैंडल लगातार कर रहे हैं, चला रहे हैं पैंडल। और देखिए आप इन्जॉय कीजिए ब्लॉग को। गंदा है। अरे नहीं कोई नहीं, गंदा है बाबा। तो क्या हो गया, जाते जाते हमारी थाई मसल्स बन जाएंगी, कैप मसल्स बन जाएंगी। और ये हम 60 रुपए पूरे वसूलते हुए गाइस 60 रुपए का टिकट लिया है, और मेहनत डबल हो रही है 120 वाली, आप देख लीजिए मेहनत दो लोगों की डबल हो रही है 120 वाली 240 रुपए की। हमें पूरे 240 वसूल लेंगे, दो जने हमारे साथ बैठे हैं वो उनको कुछ पैसे वसूलवाए। आप स्लो चलते भाई। तो गाइज अब हम जा रहे हैं वापस, अब सीधे पहुँचते हैं पहले रेस्टोरेंट में। तो हम यहाँ जाएंगे गाजियाबाद में है मदन रेस्टोरेंट, एक मदन स्वीट्स, उसके यहाँ पहुँचते हैं। वहाँ पे हम कुछ खाना खाते हैं, देखते हैं क्या खाना ऑर्डर करते हैं। ओके गाइज फिर मिलते हैं क्योंकि बहुत थक चुके हैं। सो बाय बाय, सीधे मिलते हैं मदन स्वीट्स के यहाँ। आप लोग सामने देख सकते हैं सभी कुछ आइटम्स लिखे हुए हैं विद प्राइस, और डेली स्पेशल के बारे में भी लिख रखा है। जैसा आपको सूटेबल लगे वैसा आप ले सकते हैं। बाकी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ मदन स्वीट्स के यहाँ क्या क्या वैरायटी है, बहुत अच्छी
क्वालिटी लग रही है, मतलब साफ़ सफाई का बहुत अच्छा ध्यान रख रखा है, सब ने ग्लव्स पहन रखे हैं जितने भी यहाँ पे काम कर रहे हैं और वेटर वगैरह हैं जो सर्व कर रहे हैं, आप देख सकते हैं सब पैक्ड है बहुत अच्छे से, बहुत है। ये देखिए पीछे लोग हमारे कितने बैठ के खा रहे हैं, खाने का सिस्टम भी है, पूरा रेस्टोरेंट भी है, स्वीट्स की शॉप भी है इनकी, बहुत अच्छा है। देखिए गाइस अब हम जा रहे हैं अंदर रेस्टोरेंट में खाना खाने। गाइस हम आ गए हैं, सो हमने अब डिसाइड करा है कि क्या मंगाना है, तो हम खाना मंगाते हैं खाते हैं गाइस। ओके मिलते हैं फिर आपसे अब बाद में, और क्या भूख बहुत तेज लग रही है गाइस इस समय। ओके सी यू, टेक केयर। गाइस आप देख सकते हैं सभी लोगों ने खाना खा लिया है, बस एक मैं ही लास्ट में बचा हूँ। एक्चुअली मुझे भूख ज़्यादा लग रही थी तो मैं कुछ ज़्यादा ही खाना खा रहा हूँ आज, टेस्टी बहुत है एंड बहुत लाजवाब खाना लगा, सो मैं एंजॉय करके खा रहा हूँ खाने को। गाइस अब चलते हैं वापस घर, बहुत हो गई पेट पूजा, बहुत खाना खा लिया, तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अब घर पहुँचते हैं, आराम करते हैं, रेस्ट करते हैं, क्योंकि कल हमें वापस जाना है अब कहाँ, मुरादाबाद अपने घर। ओके सो गाइस बाय बाय, हम पहुँच चुके हैं अपनी सोसाइटी में, मौसी जी के यहाँ, बस जाते हैं रेस्ट करते हैं, मिलते हैं फिर आपसे, टेक केयर बाय बाय। गाइज अब पहुंच चुके हैं हम, ये देखिए बिल्डिंग, हम जाते हैं 5th फ्लोर पे और करते हैं रेस्ट क्योंकि खाना खा लिया है, सो ठीक है गाइज बाय बाय, टेक केयर। पहुंच चुके हैं हम सब लोग, तो गाइज नेक्स्ट डे मॉर्निंग में, मतलब मॉर्निंग नहीं आफ्टरनून हो रहा है, सॉरी 3 बज रहा है, हम निकल रहे हैं अपने घर मुरादाबाद के लिए। ओके गाइज बाय बाय। गाइज अब हम एंटर हो चुके हैं मुरादाबाद में, मैं इस समय दिल्ली रोड हाईवे मुरादाबाद पर हूँ, NH 24 पर हूँ, हम जा रहे हैं अपने घर। ओके गाइज अब
गाइस ये आ चुका है लोकोशेड का पुल और बस अब हम पहुंच चुके हैं अपने घर के बहुत ही नज़दीक। तो गाइस मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट ब्लॉग में जब भी बनेगा। ओके बाय बाय गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग DSP ब्लॉग्स मुरादाबाद।